कराची में एक जिमनी इलेक्शन हुआ आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे, जहां 13 जमातों को तारीखी शिकस्त मिली, और ये सीट में कुछ इलाके ऐसे थे जो तारीखी तौर पे तहरीक इंसाफ के नहीं थे, वो इलाके भी उन इलाकों में भी हराया इस पीडीएम की 13 जमातों को। उम्मीद है, तवक्को है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि कराची के भी दो हल्के हैं और बाकी पंजाब में भी केपीके में हल्के हैं जहाँ पर इलेक्शन होना है। मुकाबला इमरान खान का बमुकाबला 13 जमाते हैं, क्या तवक्को है इलेक्शन कमीशन से? सर ये इलेक्शन कमीशन खुद को रोज बरोज साबित कर रहा है कि ये एक सियासी जमात का विंग बन के रह गया है, और ये मुतनाज़े इलेक्शन कमिश्नर है और पूरा सिस्टम इन्होंने मुतनाज़े कर दिया है। और ये सिर्फ जो पंजाब में बाय इलेक्शन हुआ, जिसके नतीजे में हमारा चीफ मिनिस्टर आया वहाँ, जब वहाँ पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उसके नतीज देखे तो ये खौफजदा हो गए, अपनी मर्जी के मुताबिक इस हल्के को खाली करते, इस्तीफे कबूल करते, देखा जाता कहाँ डिफरेंस कम है, कहाँ ये लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो उस अंदाज में पिक एंड चूज किया जाता। और फिर इलेक्शन में अभी जब इन्होंने ग्राउंड रियलिटी समझी देखी तो अब ये भाग रहे, और ना सिर्फ एन ए की सीट से बल्कि बल्दियात के इलेक्शन कराची में पिछले 3 माह से वो ऐसे ही मुलतवी किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स के कैंपेन में पैसा एनर्जी सब कुछ खर्च हो जाता, और 3 दिन पहले ये कहते कि मुलतवी कर रहे, और फिर ऐसा दिन रखते कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि या तो ये इंतहाई ना अहली का शिकार है ये इलेक्शन कमीशन, और दूसरी तरफ ये पूरी तरीके से सियासी दबाव में है। पुलिस इनके पास इस्लामाबाद भेजने के लिए पुलिस है सिंध हुकूमत के पास, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स भिजवाते, यहाँ जो है इनके पास इलेक्शन कराने के लिए पुलिस नहीं है। मैं पूरे सिंध में फेरा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पूरे सिंध में फेरा हूँ सैलाब जदगान और इनसे इनकी मदद के लिए, एक पुलिस वाला मुझे पूरे सुबह सिंध के किसी सड़क पे नहीं नजर आया, एक पुलिस का नाका मुझे नहीं नजर आया। ये पुलिस का इस्तेमाल कर किधर रहे? ये सिर्फ पतली गली से निकलने के तरीके के पुलिस का बहाना कर रहे वगैरह, इनको अपनी हार नजर आ रही है। और हाल ही में जो कराची में एक जिमनी इलेक्शन हुआ आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे, जहां 13 जमातों को तारीखी शिकस्त मिली, और ये सीट में कुछ इलाके ऐसे थे जो तारीखी तौर पे तहरीक इंसाफ के नहीं थे, वो इलाके भी उन इलाकों में भी हराया इस पीडीएम की 13 जमातों को। तो ये खौफजद है, ये इस किस्म के बहाने तलाश कर रहे हैं, और लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि आप बजाय इसके ये 4, 5, 11 सीटों पे आप 135 पूरे आप इलेक्शंस कॉल करें, आवाम फैसला करें, मुदाखलत और साजिशों से हुकूमत बन तो जाती। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां, सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।